नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं सुधीर दीक्षित। मध्य प्रदेश की सियासत इस वक्त पूरे देश में चर्चा पर है। मुख्यमंत्री का चयन और दो उपमुख्यमंत्री, कमोबेश उत्तर प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ का मॉडल लंबे समय बाद मध्य प्रदेश में लागू हुआ है। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो पिछले 35 साल से प्रदेश की राजनीति में सक्रिय है और पिछले 20 साल से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। खास बात यह है कि बीजेपी ने 51% वोट शेयर का लक्ष्य रखा था और हमारे साथ जो शख्स है वो जब भी चुनाव जीत रहे हैं तो उनका वोट शेयर 51 से 52% से ऊपर ही रहा है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। चुनाव से जीतने के बाद बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, किस तरीके से आप देखते हो ये मैंडेट की क्या वजह आप पाते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था। मध्य प्रदेश में ना सड़कें चलने लायक थी, ना गांवों में पर्याप्त बिजली थी, शहर भी अंधेरे में 7-8 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं रहती थी, पानी की समस्या थी, सिंचाई की समस्या थी। बहुत व्यापक काम हुए हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है। तो खेती के मामले में तो आप अंदाज लगाइए, कृषि कर्मण अवार्ड लगातार 5वीं बार 6वीं बार मध्य प्रदेश को मिला और 24 घंटे बिजली हमने देना शुरू कर दिया, हाईवेज बना दिए। तो सुशासन जो भारतीय जनता पार्टी का रहा है वो देखने के बाद कांग्रेस के लोगों ने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद कुछ काम नहीं किया है, जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं किया, इसलिए बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता रहा। ये फर्क दिखने लगा, यदि हम भी काम नहीं करते तो फिर कांग्रेस को लगता है कि कांग्रेस ने काम नहीं किया तो इन्होंने भी काम नहीं किया, तो हो सकता है काम होना आसान काम नहीं हो। लेकिन हमने जो काम करके दिखाया हमारी सरकार ने, उसका उससे फर्क दिखने लगा सुशासन और कुशासन के बीच का, और इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। और इस बार आप देखिए, 20 साल सत्ता में रहने के बाद 18 वर्ष और फिर हमारी सीटें बढ़ जाएं, ये कोई छोटा जनादेश नहीं है, ये प्रो इनकम्बेंसी है। कांग्रेस के लोग एंटी इनकम्बेंसी के दम पर चुनाव जीतने का सपना देख रहे थे, लेकिन यहाँ तो प्रो इनकम्बेंसी थी, सत्ता के पक्ष में लहर थी। और ये सुशासन के कारण है, काम के कारण है, जनता के कल्याण के जो कार्यक्रम चले हैं, मोदी जी के जो योजनाएं रही हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में सरकार रही, उनकी जो योजनाएं रही हैं, उसके कारण ही लाभ मिला। आपने विकास की बात की, एक वाकया मुझे याद आ रहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी जब रीवा में आए थे आपके चुनाव प्रचार के लिए, तो उन्होंने कहा था कि राजेंद्र शुक्ला जी ने रीवा का जो मॉडल तैयार किया है उसको देख के तो मुझे डर लगता है कि इंदौर को पीछे न छोड़ दे। कैसे आया बदलाव ये? नहीं, रीवा में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, रीवा महानगर दिखने लगा है, जो पहले तहसील से बड़ा नहीं लगता था संभागीय मुख्यालय होने के बावजूद, उसका उसमें हर वो सारी शहरी सुविधाएं, बाईपास हो, रिंग रोड हो, फ्लाई ओवर्स हो, रेलवे ओवर ब्रिज हो, उससे शहर की तस्वीर बदली है। और ये हमारा अधिकार था कि हम महानगर के रूप में डेवलप हों, इतना पोटेंशियल है हमारे विंध्य क्षेत्र में, लेकिन उसके बावजूद हम उतना आगे बढ़ नहीं पा रहे थे क्योंकि सरकारों की जो इच्छा शक्ति है वो कमज़ोर रही। लेकिन हमने मजबूत इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए और सारे परिवर्तन किए और उसके कारण रीवा की तस्वीर बदली है। रीवा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, हम हवाई अड्डा बना रहे हैं रीवा में, जो लोग सोच नहीं सकते थे। जब मैंने पहली बार प्रस्ताव रखा तो लोग कहते थे कि कैसी बात कर रहे हैं रीवा में हवाई अड्डा, लेकिन आज हवाई अड्डा बन के तैयार हो रहा है। और अब वही लोग कहने लगे हैं जो एयरलाइन से जुड़े लोग हैं कि इंदौर के बाद आने वाले 4-5 वर्षों में सबसे बिजी एयरपोर्ट यदि कोई होगा तो हमारे रीवा का होगा, विंध्य क्षेत्र का होगा, क्योंकि रीवा में पर्याप्त पोटेंशियल है। विंध्य क्षेत्र की अपने बात की लगातार बात की जाती है कि विंध्य क्षेत्र, जब भी विंध्य में किसी पार्टी को अच्छी सीटें मिलती है, जब भी प्रदेश में कोई सरकार बनती है तो विंध्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्या आपको लगता है इस बार भी वैसा ही कुछ करिश्मा हुआ है विंध्य में, जो भाजपा को भारी बहुमत मिला है? विंध्य के बहुत बड़े नेता के तौर पर आप आते हैं, आपको लगता है कि विंध्य को जो मिला है वो पर्याप्त या और कुछ मिलने की जरूरत है?
नहीं, जब से केंद्र में हमारी सरकार बनी, प्रदेश में हमारी सरकार बनी, तो जो विंध्य को चाहिए, हमारे जो हाईवेज हैं, टनल की जरूरत थी, टनल बन के तैयार हुआ, हवाई अड्डे की जरूरत है, हवाई अड्डा बन रहा है, और सिंगरौली से लेके और हमारे सतना तक और उधर अंबरकंटक से लेके चित्रकूट तक चौतरफा जो हमारा विंध्य क्षेत्र है उसमें सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुए हैं, बाकी काम चल भी रहे हैं। और विंध्य क्षेत्र आने वाले दिनों में आप देखिएगा हिंदुस्तान के सबसे समृद्धशाली और विकसित इलाकों के रूप में जाना जाएगा। इसीलिए आपको जाना भी जाता है, विंध्य के विकास पुरुष के तौर पे आपको देखा जाता है। कभी कोई विवाद होता है तो बजाय जुबान से जवाब देने के बजाय आप कामों से जवाब देते हैं, नतीजे उसके दिखते हैं, एक सहजता दिखती है, बहुत मितभाषी भी आप हैं। कैसे ये नियंत्रण रखते हैं जब इस तरह की कोई चीज़ें होती है, कोई विवाद होता है, क्या चल रहा होता मन में कि जवाब कैसे दिया जाए? नहीं, आधारहीन आरोप और विवादों पर जवाब देकर समय खराब करने से क्या फ़ायदा है? यदि आप गलत नहीं हैं और कोई आपके ऊपर आरोप लगा रहा, कीचड़ उछाल रहा है, तो वो कभी साबित तो हो नहीं सकता है, इसे उसकी चिंता क्या करना। अपने काम में ध्यान देते हुए एक एक पल का और एक एक क्षण का सदुपयोग करना, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से भागता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि समय तो बहुत तेज़ी से भागता है, समय रहते वो जरूरी काम करना जरूरी है जो जनता के काम आए, देश के काम आए, समाज के काम आए, तो मैं उसी पे लगा रहता हूँ। और मुझे लगता है कि जनता ने यदि आशीर्वाद देके मुझे विधायक बनाया है, मंत्री बनाया है पार्टी ने, तो फिर हम एक एक पल, एक एक क्षण का सदुपयोग करते हुए लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए और क्षेत्र की तस्वीर बदलने के लिए पूरी ऊर्जा लगाएं। अनावश्यक लोगों के द्वारा लगाए गए अनावश्यक आरोपों का जवाब देना मैंने कभी उचित नहीं समझा, न ही मेरे ये किसी पर प्रत्यारोप लगाना भी मेरी आदत में नहीं। यही वजह लगातार काम कर रहे हैं, विंध्य के बारे में सोचते हैं, अब बड़ी जिम्मेदारी मिली है डिप्टी सीएम के तौर पर, क्या यही वजह आप देखते हैं कि पांचवीं बार जनता ने आपको चुनकर भेजा और इस बार बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या प्रदेश के लक्ष्य आप क्या देखना चाहते हैं, किस तरह के विकास के रास्ते पर आप प्रदेश को देखना चाहते हैं? इस जिम्मेदारी के लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व को आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, और निश्चित रूप से जिम्मेदारी बढ़ी है और ज़्यादा मेहनत करना है। और जो विकास के कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चालू किए गए, बहुत से पूरे हुए हैं, बहुत से चल रहे हैं और बहुत से जरूरी हैं, जिसको शुरू करने की आवश्यकता है। जो समय की मांग है उसके हिसाब से हर क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे। और केंद्र में चूंकि मोदी जी की सरकार है तो डबल इंजन की सरकार हो गई, और डबल इंजन की सरकार उन तमाम बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत हम लोग लगाएंगे। जैसे कि मोदी जी तो भारत को बना रहे हैं विश्वगुरु, और हम लोग बनाएंगे मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर राज्य। आपको लगता है कि डबल इंजन की जो सरकार की आप बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा बात करते हैं, डबल इंजन की सरकार का प्रभाव चुनाव में भी दिखा, आगे भी देखने मिलेगा? बिल्कुल, मोदी जी के प्रति एक भरोसा लोगों के काम पहुंचाने में बहुत सफलता के साथ अपने काम जनता तक पहुंचा पाए आप। बिल्कुल, काम करना भी जरूरी है और काम जनता के बीच में पहुंचाना भी जरूरी है, जिससे कि सत्ता की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में न चली जाए जो सत्ता प्राप्त करने के बाद इस देश की समस्याओं का समाधान करने की क्षमता नहीं रखते हैं। वास्तव में मोदी जी ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है, और जिसका लोहा भारत के लोग तो मानते ही हैं, दुनिया के लोग मानते हैं। कितने जटिल और उलझे हुए मामले थे जिसको उन्होंने कुशलता के साथ सुलझाया है, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे राम मंदिर के निर्माण का मामला हो, ये वो मामले हैं जो हमारे देश को खोखले कर रहे थे दीमक की तरह। उसके लिए एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता थी जो ऐसे उलझे हुए मामले को सुलझा दें और देश को विकास के रास्ते पर तेजी के साथ दौड़ाने का काम कर सकें। ये काम मोदी जी ने किया, और गरीबों के कल्याण के लिए भी काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों के मकान बनाना और आयुष्मान कार्ड बना के गरीबों के इलाज की व्यवस्था करना, ये ऐसे काम हैं कि जो लोगों के दिल और दिमाग में बैठ गए हैं कि सत्ता के शीर्ष पर बैठकर कोई व्यक्ति जमीन पर रहने वाले, झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति के बारे में न सिर्फ विचार कर रहे हैं बल्कि उनकी समस्या का समाधान करने का ठोस काम कदम उठा रहे हैं। तो इसलिए उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर देश की जनता फिर से एक बार तैयार है
कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना के भारत को उस मुकाम तक पहुंचाने में हम लोग सहयोग करें जिस मुकाम पर पहुंचने का अधिकार भारत को है। भारत को दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता है, उसके लिए एक योग्य नेतृत्व की जो लंबे समय से इंतजार था उस इंतजार को मोदी जी ने अपने नेतृत्व से पूरा किया है। अभी आपने बात की मुद्दों की, जिसमें राम मंदिर की अगर हम बात करते हैं, सनातन की हम बात करते हैं, कभी चुनाव के दौरान बजरंगबली की बात होती थी, हनुमान जी की बात होती थी, आपको लगता है कि जाति के कुछ मुद्दे या ऐसे कोई मुद्दे वो चुनाव को या जनता के मन को प्रभावित कर सकते हैं? नहीं, देखिए जनता बहुत समझदार है और वो अब इसका मूल्यांकन बहुत अच्छे तरीके से करना शुरू कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए समर्पित है। और सनातन का जहां तक सवाल है तो सनातन को बढ़ाना, सनातन धर्म, क्योंकि हमें धर्म से विमुख होके हम कभी भी बेहतर काम नहीं कर सकते हैं। हमें अपने कर्म पर भी भरोसा करना है और हमें ईश्वर के कृपा के लिए प्रयास भी करना है। यदि हम सनातन की बात नहीं करेंगे, सनातन के मामले में हम पीछे हटेंगे तो एक तुष्टिकरण के आधार पर हम देश को रसातल पे ले जाने का अपराध करेंगे। इतने लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इतने लोग आस्था से जुड़े हुए हैं। अब हमारे देश में गैर जिम्मेदाराना बयान देने वालों की भी कमी नहीं है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे के द्वारा दिया गया बयान कि सनातन को उसी तरह से समाप्त कर देना चाहिए जैसे कोविड और मलेरिया और डेंगू को समाप्त किया गया है, इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान आस्था पर चोट पहुंचाने वाले हैं। और यदि हमारी हम लोगों के आस्था पर चोट पहुंचाएंगे तो लोगों का फिर भरोसा इस प्रकार से टूटेगा कि सरकार सामाजिक कार्यों के लिए है, विकास के कार्यों के लिए है, लोगों की ज़िंदगी को बदलने के लिए है, लेकिन लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए हम उनकी आस्था पर चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। आज आप देखिए राम मंदिर का मामला जिस कुशलता के साथ सुलझा तो उससे देश की को ताकत मिली है। ये वो मामले हैं जो देश को कमजोर कर रहे थे। एक ताज़ा आदेश की बात करेंगे, डॉक्टर मोहन यादव सीएम बने हैं और आपके डिप्टी सीएम की शपथ लेने का बाद सरकार ने एक आदेश जारी किया है, उसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। आदेश है कि ध्वनि विस्तारक जो यंत्र है, खासतौर पर धार्मिक स्थलों पर जो लगे हैं, उन पर एक सीमा के बाद नियंत्रण लगाया जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस उसको मुद्दा बना रही है और ये कहा जा रहा है कि ये एक विशेष वर्ग के लिए आदेश निकाला गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, कांग्रेस ने हमेशा गैर जिम्मेदाराना तरीके से हर विषय पर अपनी भूमिका निभाती है, इसका तो उनको स्वागत करना चाहिए। आज कितने ध्वनि प्रदूषण से सिर्फ एक वर्ग और एक धर्म के लोगों को परेशानी थोड़ी है, सभी को परेशानी है। तो इससे तो जिससे सभी को परेशानी है उस समस्या का, और किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, सभी धर्मों के लिए कहा है, जहाँ कहीं भी है। कान फोड़ू ध्वनि बच्चों को परेशान करती है, बुजुर्गों को परेशान करती है, हर वर्ग को परेशान करती है। तो इस निर्णय का तो स्वागत हो रहा है हर जगह। मैंने तो मेरे पास तो कई लोगों के फ़ोन आए कि ये बहुत ही अच्छा, पहली बैठक में ये बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है। इसी तरह से जो मांस वगैरह सड़क में टंगा के और उसको बेचने का काम होता है, उसे कांग्रेस के लोगों को समझ में नहीं आता कि इसमें जो लोग मांसाहारी नहीं हैं उनको कितनी तकलीफ होती होगी। तो इसलिए सभी की चिंता समग्र रूप से करना ये सरकार की जिम्मेदारी है और उसी जिम्मेदारी के चलते इस प्रकार के डिसीजंस हुए हैं। एक बेहद निजी सवाल है कि लगातार व्यस्त आप रहते हैं जनप्रतिनिधि के नाते, व्यक्तिगत समय, परिवार के लिए समय, तनाव की स्थिति में राजेंद्र शुक्ला जी क्या करते हैं, तनाव कैसे दूर करते हैं, परिवार के लिए जब समय निकालना होता तो क्या समय होता है, और जो वो समय निकालते तब क्या करते हैं, कैसे उस समय को बिताते हैं परिवार के साथ? नहीं, ये बात आप सही कह रहे हैं कि समय तो कम मिलता है, सुबह से लेकर रात तक जनता के बीच में रहना, उनकी समस्याओं को सुनना, उसका समाधान करना, और यदि कोई जिम्मेदारी मिली है तो उसके निर्वहन के लिए दौरे भी करना। लेकिन बीच बीच में कभी हम लोग समय ये निकालते हैं कि कभी एक दो दिन के लिए कहीं छुट्टी में जाएं या अलग से कभी परिवार के साथ
रह के और उनको भी समय दे, लेकिन उतना समय हम लोग दे नहीं पाते हैं जितना समय देने की जरूरत है। लेकिन परिवार के लोग भी मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि चूंकि इतने सालों से आदत में, इतने सालों से उनकी आदत पड़ जाती है। भाई जनता के, जनता भी एक परिवार ही है, जिन्होंने हमको, हमारे लिए दौड़े, जो वोट दिए, जिन्होंने जिताया, उनकी अपनी समस्याएं हैं, तो वो समस्या भी हम लोग फिर अपनी ही समस्या मानते हैं, और इसलिए वो भी हम लोगों का परिवार कायदे से देखा जाए तो काफ़ी बड़ा परिवार हो जाता है, और इसलिए उनको भी पारिवारिक सदस्य की तरह ही मानते हुए परिवार भी एडजस्ट कर लेता है और हम लोग भी उसी प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं। एक आखिरी सवाल है कि प्रदेश में अब नई सरकार है, बहुत लंबे समय के बाद भाजपा में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, सरकार की जो योजनाएं चल रही थी वो योजनाएं जो है उनसे बड़ी उम्मीदें लोगों को थी, क्या वो योजनाएं जारी रहेंगी, कुछ नई योजनाएं लेकर आएंगे, और विकास का रोड मैप जो है वो क्या रहेगा? नहीं, जो योजनाएं चल रही थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा चलाई गई योजना थी, तो वो तो चलेंगी ही, जिससे जनता को फायदा हो रहा है, और विकास तो एक सतत प्रक्रिया है। हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सिंचाई को बढ़ाने के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, बिजली के क्षेत्र में काम चल रहा है, सड़कों के क्षेत्र में नए नए चंबल एक्सप्रेसवे और नर्मदा एक्सप्रेसवे, ये सारी चीज़ें बननी है। इस प्रकार से एक हमारे विंध्य एक्सप्रेसवे है जो सागर और दमोह और कटनी को जोड़ते हुए और सिंगरौली तक जाएगी, तो हर क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया की डेवलपमेंट का सवाल है कि नए नए उद्योग क्षेत्र डेवलप हों, जैसे कि हम विकसित लैंड निवेशकर्ताओं को दे सकें और वो मध्य प्रदेश में आगे निवेश करें, और औद्योगिक क्रांति हो यहाँ पर, विकास के, रोजगार के अवसर पैदा हों। तो हर क्षेत्र में जो काम हम लोगों ने शुरुआत की है उसको अभी लगातार आगे बढ़ाना है, और वो बचे हुए काम भी करेंगे और जनता के कल्याण के जो काम चल रहे हैं वो भी, और आवश्यकता पड़ेगी तो और भी लोगों की समस्याएं और कल्याण के जो काम हैं उसको शुरू करेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव भी लगभग करीब है, कुछ ही महीने बचे हैं, 29 सीटों का टारगेट भाजपा ने लिखा है, मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी कहा कि 29 फूलों की माला पहनाएंगे, कितनी सफलता की उम्मीद आप कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि 29 सीटें मोदी जी को यदि मिलती है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उनके बराबर का नेता अब कौन है जी? वो सिर्फ देश के नेता नहीं, दुनिया के सारे नेता अब उनके सामने थोड़ा छोटे दिखते हैं, इतना बड़ा व्यक्तित्व हो गया है मोदी जी का, और वो यदि इस देश को परम वैभव के स्थान पर पहुँचाने के लिए जनता से वोट मांगेंगे तो कौन सा देश का नागरिक होगा जो मोदी जी के हाथों को मजबूत नहीं करेगा? तो इसलिए 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मध्य प्रदेश की जनता देगी, इसमें कोई शंका नहीं। यह है मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी, जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जो बहुमत मिला है वो उसके किए गए कामों को देखते हुए मिला है, आगे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो विकास के नाते आगे बढ़ेगी, और जहां तक लोकसभा सवाल चुनाव का सवाल है वहां पर पूरी 29 सीटें इस बार आएगी, क्योंकि मोदी जी का कद इतना ऊंचा है कि जनता उनके कामों को देखते हुए मध्य प्रदेश की पूरी 29 लोकसभा सीटें उनको सौंपेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।